नमस्कार दोस्तों, आरओ फिल्टर सपोर्ट में आपका स्वागत है। तो आज हम जो पीपी स्पन है और एमएलटी, ये दो फिल्टर लेके आपके सामने आए हैं। तो इसके बारे में आपको आज जानकारी देना चाहता हूँ मैं कि ये दोनों का यूज़ कहाँ होता है, जो पीपी स्पन होता है और जो हमारा एमएलटी फिल्टर है। तो इसका यूज़ होता है हमारा जो प्री फिल्टर होता है, प्री फिल्टर के हाउसिंग में। ये देखिए, ये हमारा प्री फिल्टर हाउसिंग है। तो इसमें फिट करने के लिए ये हमारी पीपी और एएमएलटी फिल्टर, ये दोनों का भी यूज़ होता है। तो इसमें से कौन सा भी हम यूज़ कर सकते हैं, या पीपी करें या एएमएलटी करें। तो इस तरह से क्या काम है ये आपके समझ में आया होगा। तो दूसरी बात, फिटिंग, इसको मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ। ये देखिए, ये जो एएमएलटी होता है ये थ्रेड फिट होता है। थ्रेड फिट, ये देखिए, इधर इधर जो थ्रेड होते हैं, ये थ्रेड, तो ये थ्रेड किधर बैठते हैं, हमारा जो प्री फिल्टर का हाउसिंग होता है उसके ढक्कन के ऊपर। ये देखिए, इधर इधर थ्रेड है, तो इसको इस तरह से थ्रेड से टाइट किया जाता है। ये देखिए, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, थ्रेड फिटिंग है इसकी। तो इसको रखता हूँ मैं साइड में। और जो हमारा पीपी है, ए पीपी, तो ये होता है हमारा प्रेस फिटिंग। प्रेस फिटिंग मतलब सिर्फ इसके अंदर डालो, इसके अंदर ऐसा डालो और ऊपर से ढक्कन लगाओ, तो इसका प्रेसिंग किधर हो जाएगा, ये जो साइड वाली रिंग है इधर प्रेस हो जाएगा और अंदर वाली रिंग है उधर भी प्रेस हो जाएगा। तो ये प्रेस होके पूरी तरह से फिट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से, अब ये देखिए इस तरह से ये जो प्रेस हुआ है आपको दिख रहा है, ये प्रेस होके टोटली फिट हुआ है। ये देखिए इधर, ये जो आपको खांचे दिख रहे हैं इधर प्रेस हुआ है, ये इसलिए उसको प्रेस फिटिंग बोलते हैं। तो मटेरियल, पॉलीप्रोपिलीन का मटेरियल होता है। ये देखिए, पॉलीप्रोपिलीन का मटेरियल दोनों का भी होता है। सिर्फ क्या होता है, इसके ऊपर पॉलीप्रोपिलीन का कपड़ा होता है, और जो पीपी होता है तो इस ये एक ही पार्टिकल का बनाया होता है। सिर्फ पॉलीप्रोपिलीन का जो पार्टिकल्स होता है तो एक ही पार्टिकल का पूरी तरह ये बनाया होता है। अब दूसरी चीज़, उसकी हाइट, जो हमारा एमएलटी होता है उसकी हाइट 9 इंच होती है, और जो हमारा पीपी होता है उसकी हाइट 10 इंच होती है। तो इस तरह से दोनों का हाइट में थोड़ा फर्क रहता है, क्योंकि एमएलटी जो होता है वो पूरी तरह से थ्रेड फिट होता है, इसलिए उसकी हाइट थोड़ी कम होती है। और ये पानी अगर इधर आप टाइट करोगे, एमएलटी, ये देखिए पानी इधर से आएगा, किधर, इन से आएगा, पानी इन से आएगा बाहर, बाहर की तरफ आएगा, इधर की तरफ आएगा, और यहाँ से पानी अंदर जाके फिर इधर आएगा। मतलब उसकी प्रोसेस बहुत ही अच्छी है। तो इधर मैं इसको आपको निकाल के दिखाता हूँ, एमएलटी किस तरह से बनाया होता है। ये देखिए इसकी बनावट क्या है, बनावट किस तरह से देखिए। तो ये ऊपर से कपड़ा है, और बीच में क्या दिख रहा है, मैं थोड़ा निकालता हूँ उसको, किधर है उसकी शीट। ये देखिए, ये कपड़े से, पूरा कपड़े से बनाया होता है एमएलटी। ये देखिए, जिस जैसा जैसा अंदर जाएगा वैसा वैसा ये कपड़ा है पूरा सफ़ेद की सफ़ेद मिल रहा है आपको। मतलब गाल वो बाहर ही रोक रहा है, किधर, ये पहले पर्दे में। तो इस तरह से अपना एमएलटी फिल्टर होता है। दूसरी बात, इसके अंदर कार्बन भी दिख रहा है, देखिए कार्बन के दाने हैं इधर, इसमें कार्बन के दाने भी डाल दिए ताकि वो 2-in-1 हो सके। मतलब हमारे जो सेडिमेंट फिल्टर और कार्बन फिल्टर हम आरओ के अंदर डालते हैं, तो उसके पहले ही ये सेडिमेंट फिल्टर, ये जो आगे वाला कपड़ा है ये सेडिमेंट फिल्टर का काम करेगा, और ये जो आगे वाले कार्बन पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, ये कार्बन के दाने, तो ये क्या होगा, हमारा कार्बन फिल्टर हो जाएगा। मतलब बहुत ही बेटर। ये देखिए पूरा सफ़ेद की सफ़ेद है, पूरा की पूरा सफ़ेद है। मतलब ये हमारा एमएलटी फिल्टर इस तरह से ये हो गया। अभी एक कपड़ा निकल गया, ये देखिए, ये कपड़ा मैं कर देता हूँ साइड में, साइड में रख देता हूँ, और इसके अंदर निकला ये धागा है, ये धागे से बना है पूरी तरह से धागा। ये देखिए,
मतलब दो फिल्टर से बनाया हुआ MLT है। इसके अंदर ये देखिए, ये धागे से अंदर धागा है, ये धागा अंदर लपेटा है, मतलब बहुत ही बेटर उसकी क्वालिटी है। ये जो धागा है ये देखिए, इस धागे से अंदर का पूरा पोर्शन बना है और इसके ऊपर कपड़ा और कार्बन लपेटा हुआ था। किस तरह से बनाया जाता है MLT तो आपने देख लिया, ये देखिए पूरा धागा है इसके ऊपर। और ये जो है ये सिर्फ कुछ नहीं, एक सिर्फ पाइप की तरह उसको एक बनाया है, इसके सिवा इसके अंदर कुछ नहीं दिखता है, बस यही होता है। लेकिन जो MLT होते हैं तो इसको आप देख सकते हैं किस तरह से बनाया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।